हेलो राइडर्स, कैसे हो आप सब दोस्तों। हीरो मोटर कॉर्प की तरफ से एक गुड न्यूज निकल के आ रही है। हीरो कंपनी इंडियन टू व्हीलर मार्केट में अपनी करिश्मा ZMR को रीलॉन्च करने वाली है। दोस्तों, इस बाइक की फोटोज लीक हो चुकी है, जिसमें इस बाइक की सारी डिटेल्स लीक हो चुकी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ये बाइक इंडिया में कब तक लॉन्च हो पाएगी, इस बाइक का क्या लुक होने वाला है और ये बाइक इंडिया में किस प्राइस पॉइंट पे लॉन्च होने वाली है। मेरा नाम है अनमोल और आप देख रहे हैं फोर व्हील्स। दोस्तों, एक समय था हीरो की करिश्मा इंडिया में एक टाइम पे सभी के दिलों पे राज करती थी। इंडिया में ये बाइक 2003 में लॉन्च किया गया था, उस समय इंडिया में काफी डिमांडिंग में थी, लेकिन 2019 में आते आते इस बाइक की डिमांड काफी कम हो गई क्योंकि इसके कॉम्पिटिटर ने इंडिया में अपने पैर पसार लिए थे और हीरो मोटर्स ने इसको समय के साथ अपग्रेड नहीं किया था, जिसके कारण इसे 2019 में डिसकंटिन्यू करना पड़ा। तो दोस्तों, हीरो कंपनी पिछली गलती से सीख लेते हुए इस बाइक को दोबारा रीलॉन्च करने वाली है और अब की बार इस बाइक में नया लुक, नया डिजाइन और नया इंजन देखने को मिलेगा। इस बाइक की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होने वाली है। अगर हम बाइक के इंजन की बात करें तो इस बाइक में आपको 210 सीसी का सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक लिक्विड कूल इंजन देखने को मिलता है, जो ओबीडी 2 सेंसर के साथ आती है। ओवरऑल जो बाइक के लुक्स है ना, वो बहुत ही ज्यादा शानदार और बहुत ही ज्यादा प्रीमियम होने वाले हैं। बाइक में बिल्कुल ही नया फेयरिंग स्टाइल देखने को मिल जाएगा। बाइक के फ्रंट में LED हेडलैम्प सेटअप देखने को मिलेगा। बाइक के जो इंडिकेटर है वो LED आपको देखने को मिल जाएगा और बाइक के रेयर में आपको LED टेल लाइट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इस बाइक में आपको डिजिटल ओडोमीटर देखने को मिल जाएगा और डुअल डिस्क के साथ डुअल चैनल ABS भी देखने को मिलेगा, जो कि सेफ्टी के लिए काफी जरूरी है। अगर हम बाइक के सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में आपको USB फोर्क सस्पेंशन देखने को मिलेगा और बाइक के रेयर में आपको मोनोलॉक सस्पेंशन सेटअप देखने को मिलेगा। ओवरऑल बाइक में कंपनी बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लुक प्रोवाइड कराने वाली है और साथ ही साथ ये बाइक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लेस होने वाली है। अगर हम बाइक के प्राइसिंग और लॉन्च डेट की बात करें तो ये बाइक आपको 1.6 लाख से 1.9 लाख तक देखने को मिल जाएगा और ये बाइक 2024 के स्टार्टिंग में देखने को मिल जाएगी।